ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते, अरे अरे हम बैठे ना भाई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऐसे ऐसे फैसले, जिन फैसलों को सुनकर जहां एक तरफ मास्टर जी गुरु जी काफ़ी परेशान रहते हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार भी के पाठक के आदेशों से परेशान हो गए हैं। देखिए, पिछले कई महीनों से भारत लाइव भी शिक्षकों के मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करते रहा है कि शिक्षकों पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दे रहे हैं के पाठक कि बिहार के बच्चों को वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने प्रेशर को कम करने में लगे रहते हैं। कभी कुछ कीजिए, कभी जाके स्कूल में मरम्मती कराइए, तो कभी आप बच्चों का अटेंडेंस बनवाइए, कभी गांव-गांव घूमकर बच्चों को स्कूल में बुलाइए। इन समय से, इस सब कार्यकाल से टाइम पास हो रहा है बिहार के शिक्षकों के लिए, और टाइम पास अगर करेंगे तो बिहार के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? देखिए, नीतीश कुमार अपने बिहार के खास तौर पे स्कूलों के व्यवस्था को लेकर काफ़ी सख्त रहते हैं। के पाठक के आदेश जो मिले थे कि 8:30 बजे आपको स्कूल पहुंचना है, तो उस पर एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने दे दिया। दरअसल के पाठक को बुलाकर नीतीश कुमार ने के पाठक को जम के फटकार लगाई है, जम के क्लास लगा दिया है, डांट भी सुने हैं के पाठक। और डांट सुनने के बाद उन्होंने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया, 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल अब खुले रहेंगे। नीतीश कुमार के ये आदेश है, ये के पाठक का आदेश नहीं है, बल्कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश हैं कि 10 बजे से शाम 4 बजे, यानी पुराना जो पैटर्न था स्कूलों का, उसी पैटर्न पर चलेगा। देखिए, एक के बाद एक फैसले के पाठक लगातार दे रहे थे, जिससे शिक्षा विभाग और जो शिक्षक संगठन है वो भी काफ़ी परेशान हो रहा था। के पाठक के अड़ियल रवैये की वजह से बिहार में जो शिक्षक थे वो काफ़ी परेशान चल रहे थे, मानसिक तनाव, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे, बच्चे भी झेल रहे थे। आपने देखा ठंड के समय में कैसे विद्यालय नहीं बंद करने की वजह से कई बच्चों की जो स्थितियाँ थी वो स्क्रीन पर चल रहा था। उन वीडियोज़ को तो हम नहीं दिखा पाते क्योंकि यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस होता है, लेकिन जो दर्दनाक वीडियो और जो तस्वीरें आ रही थी वो सच में अंदर से झकझोर दे रही थी। आखिरकार किस कहते हैं एक तरीके से कि किस बात का बदला के पाठक बच्चों से निकाल रहे हैं। इतनी शीतलहर में, भीषण ठंड में, पटना में वो हीटर वाले कमरे में रहते हैं, लेकिन गांव देहात में अगर आप जाएंगे तो वहां पर वाकई में बहुत ठंड पड़ती थी, और उस ठंड के महीने में बच्चे वहां पर आए। अगर जिलाधिकारियों ने स्कूल बंद भी कर दिया तो उन जिलाधिकारियों पर भी के पाठक भड़क जाते थे। लेकिन अब देखिए, एक कहावत है ना, जो हमारे संपादक भी कहते रहते हैं कि सबके नचावत राम गोसाई, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने के पाठक को जम के फटकार लगाया है, डांट पड़ी है के पाठक को, और स्कूल 10 से 4 करने का निर्देश दे दिया गया है। हालांकि अभी तक लेटर नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, खबरें जो आ रही हैं, वो बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही स्कूल चलेंगे। देखिए, ठंड के महीने में जो नवनियुक्त शिक्षक थे उनको भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी कि भाई स्कूल जो हैं 10 सुबह में जाना पड़ता है, जाने आने का कोई साधन नहीं है, गांव में आप हमें दे दिए हैं ड्यूटी करने के लिए। गांव में सच में शाम 7 बजे के बाद आज भी ठंड के मौसम में देखा जाए तो गाड़ियां और आवागमन कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। तो वो ठंड में जो शिक्षकों ने प्रताड़ना झेली के पाठक के आदेश का, अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बड़े एक तरीके से कहें तो कड़े निर्देश उन्होंने दिए हैं के पाठक को कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही स्कूल आपको करने होंगे। तो के पाठक को फटकार लगी है, बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी इस वक्त मिल रही है। लेटर का इंतजार कीजिए, लेटर भी जल्द जारी होगा, वो लेटर जैसे ही आएगा हम आपको अपने खबर के माध्यम से बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट लगातार मिलेगा। धन्यवाद। के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना।
अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही देख, आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे अरे हम बैठे ना भाई, बैठ जाइए महबूब साहब, सत्यदेव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई, बैठिए। तो जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछिए, आज ही हम बात कर लेंगे, आज ही हम कर लेते। सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।